नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपी एएसआई और आपके कांस्टेबल के लिए। ध्यान रखिएगा, जो आपका स्पेशल टॉपिक है उस स्पेशल टॉपिक को रैपिड फायर राउंड में क्विक फॉर्मेट में आपको याद करने के लिए मैं ये सीरीज लेकर के आया हूं। ध्यान रखेंगे, इसमें आपके 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो अभी हाल ही में यूपीपी का एग्जाम हुआ है, यूपीपी कांस्टेबल का, उस यूपीपी के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए जिस तरीके के प्रश्न रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का यहां पे आपके समावेश किया गया है पूरी तरीके से। यहां पर अच्छे तरीके से मैं इस चीज को लगभग आपके 50+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में जीएसटी का जनक, फादर ऑफ जीएसटी, तो ये ध्यान रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब पहले का सी हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर की अवधारणा जो है वो आपके भारत में जीएसटी से आपकी शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा की बात हो रही है लोकसभा नहीं, ध्यान रखेंगे 3 अगस्त 2016 को तो लोकसभा में पारित हुआ था। जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो लोकसभा द्वारा आपके 3 अगस्त 2016 को। सी जवाब आपका सही है। जीएसटी को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो जीएसटी को राष्ट्रपति की मंजूरी आपके 8 सितंबर 2016 को मिली थी। आपके अगर मैं बात करूं जीएसटी जीएसटी विधेयक में, अगर मैं बात करूं जीएसटी विधेयक की बात करूं मैं, एक सेकेंड अगर इसमें देख लेता हूं मैं एक बार सही तरीके से। चलिए सही जवाब है, जीएसटी विधेयक में के विपक्ष में कितने वोट पड़े, ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूंगा ना इसमें विपक्ष के बारे में, तो विपक्ष में आपके 11 वोट पड़े थे, और अगर मैं बात करूं आपके इस वाले क्वेश्चन में तो पक्ष में आपके 336 वोट पड़े थे। मे भी एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त किया गया था, ध्यान रखेंगे जितने आपके सर्विसेज टैक्स थे वो समाप्त कर दिए गए थे। वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक राष्ट्र कर की पॉलिसी पे ये चल रहा था। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती, 5%, 12%, 18%, यही आपका नहीं है, 28% होता है, यानी चार मुख्य प्राथमिक कर हैं जो आपका ध्यान रखेंगे। भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में आपका 50-50% है, ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, अगर मैं बात करूं आपके कितने प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, तो वो आपके आपके 17 आपके हैं जो 17 अप्रत्यक्ष कर जो है यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अधिभार यानी सरचार्जेस को, 23 तरीके के सरचार्जेस को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जीएसटी चोरी करने वालों को 5 वर्ष की सजा प्लस आपका क्या होता है वो, जिसे जुर्माना कहते हैं, जिसे आप जुर्माना भी कह सकते हैं, और 5 वर्ष की सजा और जुर्माना भी है आपका। जीएसटी किस पर किस पर लगाया जाता है, निर्माता पर, खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ताओं पर, इन सभी पर जीएसटी लगता है। किस प्रकार का कर जीएसटी है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ध्यान रखेंगे वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर करता है, नहीं भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद की स्थापना जीएसटी काउंसिल कब स्टैब्लिश किया गया था, तो जीएसटी काउंसिल जो किया गया था वो 12 सितंबर 2016 को स्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत में संविधान में जीएसटी परिषद का निर्माण के लिए जो आपका आर्टिकल है, जीएसटी काउंसिल के लिए जो आर्टिकल है वो 279A है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे टोटल इसके सदस्यों की संख्या 33 होती है, ध्यान रखेंगे दो आपके सेंट्रल से होते हैं और आपके बाकी 31 जो होंगे वो बाकी 31 आपके स्टेट और आपके यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। चलिए जीएसटी परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, जीएसटी परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर किया गया था। वस्तु और सेवा कर परिषद का उल्लेख ये आपके 279 यानी किसका है, आपके जीएसटी काउंसिल का ही तो बात किया गया है, तो आपके 279A है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा यानी फाइनेंस मिनिस्टर वही आपका अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का सदस्य कौन होता है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो वित्त मंत्री होते हैं ना वो सभी इसके सदस्य होते हैं, 33 टोटल संख्या है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा नहीं है, ये बताना है आपको भाई, वित्त मंत्री तो हर राज्यों के होंगे, जो भी आपके वित्त से रिलेटेड होगा वो आपके इससे संबंधित होंगे, ऊपर राज्यपाल कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा।
जीएसटी बिल को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को पारित किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? कर में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक वन नेशन वन टैक्स, बिल्कुल सही है। सरकारी राजस्व में वृद्धि आएगी ही आएगी। सभी अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया गया, बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? सबसे पहले आपके फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में, और पहला देश जो है आपका उस समय भारत में जब लागू हुआ तो आपका 161वां था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट के आपको अंक मिलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलिए, आईजीएसटी में आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत, ठीक है। सीजीएसटी में सी का मतलब सेंट्रल होता है। एसजीएसटी में एस का मतलब स्टेट होता है, ठीक है। भारत ने डैश के समान जीएसटी का दोहरा, कनाडा में दोहरी पॉलिसी, स्टेट और आपके सेंट्रल में दोहरी पॉलिसी है, तो भारत ने भी आपकी डुअल पॉलिसी को ही अपनाया है। भारत में जीएसटी मॉडल में कितनी कर संरचना है? तो आपके चार है, बेसिकली ध्यान रखिएगा कर संरचना प्राइमरी स्तर पर, मुख्य स्तर पर चार ही है, एक इंटीग्रेटेड यानी पांच लग जाता है, 0 से लेकर 28 तक। चलिए, पूरे भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपका असम, पहला राज्य असम था, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश आपका फ्रांस है 1954 में। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कह रहा भारत में जीएसटी के संदर्भ में सैक का क्या मतलब है? सैक जो होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, ठीक ना, ये प्रोवाइड किया जाता है आपका जीएसटी धारकों के लिए, ठीक है। भारत में जीएसटी के संदर्भ में एचएसएन का क्या मतलब है? ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। एचएसएन कोड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये आपसे बताना है। एचएसएन कोड का उपयोग जो है ना, वो वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनकी गणना और चालान बनाने के लिए किया जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। जीएसटी के तहत निर्यात और आयात के लिए कितने अंकों का एचएसएन कोड, ध्यान रखेंगे कितने अंकों का, ये जो एचएसएन कोड होता है वो कितने अंकों का होता है यही आपको बताना है, ये आपका जवाब हो जाएगा 8 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा। एचएसएन कोड की 8 अंकी में जो पहला 2 अंक होता है ना, उसमें क्या बात होती है? पहले 2 अंक में जो बात होगी ना, वो आपकी कौन सी बात होगी? अध्याय की बात होगी। उसके बाद जो 4 अंक होते हैं ना, वो 4 अंक आपके शीर्षक यानी टाइटल के बारे में बताएंगे। उसके बाद से जो आपके 6 अंक की संरचना होती है, वो आपके सब टाइटल यानी सब हेडिंग के बारे में बताएंगे, ठीक ना। अब बता रहा है एचएसएन कोड की 8 अंकी संरचना में जो आखिरी 2 अंक होगा ना, आखिरी 2 अंकों के बारे में अगर मैं बता दूं, तो आखिरी जो 2 अंक होगा वो टैरिफ आइटम के बारे में बताएगा, ठीक है। सैक में कितने अंक कोड होते हैं? तो आपके सैक में टोटल आपके 8 होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 46 का जो जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बात कर रहा है सैक कोड की शुरुआत किससे होती है, तो सैक कोड की शुरुआत आपके 99 से होती है, ध्यान रखिएगा 99 से होती है इसकी शुरुआत। सैक कोड की बीच की 2 संख्याएं यानी 99 के बाद जो बीच की 2 संख्याएं होती हैं वो किसके बारे में? सेवाओं की विस्तृत प्रकृति के बारे में। 48 का जो हो जाएगा वो 48 नहीं भाई, विस्तृत प्रकृति तो इसके बाद हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा सेवाओं के प्रकार के बारे में, सी आंसर। कह रहा है सैक कोड के अंतिम 2 है ना, वो विस्तृत प्रकृति के बारे में बताएंगे, 49 का सी हो जाएगा, बहुत सही। कह रहा है जीएसटी में के संदर्भ में डीआईएन का मतलब है, ध्यान रखेंगे जो जिस भी फॉर्म का डायरेक्टर होगा ये वो उसको दिया जाने वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वही आपका क्या है, वही आपका कहलाता है डीआईएन जीएसटी में। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जीएसटी कोड जो है वो 09 है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी आई एन का पूरा रूप क्या है? जीएसटी आई एन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है यही आपका सही जवाब है। चलिए, जीएसटी आई एन एक अद्वितीय पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो एलोकेटेड किया जाता है, वो कितने डिजिट का होता है? आपके 15 डिजिट का, ध्यान रखिएगा। जीएसटी आई एन के पहले 2 अंक क्या बताते हैं? जो पहले 2 अंक आपके जीएसटी आई एन के होते हैं ना, वो पहले 2 अंक आपके क्या बताते हैं? तो व्यक्तिगत पंजीकृत जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ना, उसका राज्य कोड यानी जैसे यूपी का 09, ठीक है। जीएसटी आई एन में राज्य कोड के बाद 10 अंक क्या होते हैं? जो राज्य कोड के बाद जो 10 अंक होते हैं ना, वो आपका पैन होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है, जीएसटी आई एन में पैन के बाद का अंक क्या दर्शाता है? जो पैन के बाद होता है वो पैन के बाद क्या दर्शाता है? तो उसी पैन के लिए एक यूनिट नंबर आपका बताता है।
जीएसटी आईएन में इकाई संख्या के बाद का अक्षर क्या है, इकाई संख्या के बाद के अक्षर के बारे में बता रहा है, यानी आपके यूनिट डिजिट के बाद का नंबर जो है वो आपका क्या बताता है, डिफॉल्ट रूप से एक अक्षर होता है वही बताता है आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बता रहा है यहां पर 58 जो आपके जीएसटी आईएन में अंतिम अंक जो होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, 58 वाले में हो जाएगा आपका त्रुटि का यानी एरर का पता लगाने के लिए जो चेक कोड होता है वही सही जवाब हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, तो जीएसटी www.gst.gov.in। चलिए यदि आपको जीएसटी में कांटेक्ट करना है ऑफिशियल्स को ईमेल के माध्यम से तो ईमेल क्या है, तो helpdesk@gst.gov.in। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी हेल्प डेस्क से संपर्क करने के लिए क्या है आपका, 1246488999 आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो प्राकृतिक गैस भी जीएसटी में नहीं है, उपभोग के लिए जो शराब है वो भी नहीं है, पेट्रोल और कच्चा, बिल्कुल तीनों ये सभी के सभी जो है ना जीएसटी में आपके शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत छोटे करदाता के लिए टर्नओवर की वर्तमान सीमा क्या है, तो छोटे आपके जो टैक्स पेयर हो सकते हैं ना उनके लिए 1.5 करोड़ रुपए की सीमा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यवसायों को किस आधार पर जीएसटी का भुगतान करना होता है, तो अपनी कुल बिक्री का यानी अपने कुल कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत जो होता है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आपके 65 में, वर्तमान में छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी की छूट सीमा क्या है जिनका टर्नओवर 20 लाख है, तो 20 लाख दे ही चुका है आंसर आपका, यही हो जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में कि जो आपका इंट्रा स्टेट के बारे में है वो इंट्रा स्टेट सॉरी यहां पर आपका 20 लाख हो जाएगा और यहां पर आपका इंट्रा स्टेट में आपके 40 लाख हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा 66 का सी आंसर हो जाएगा। तो ये जीएसटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, इनको आप रिवाइज करिएगा बार बार, इनकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके के जितने स्पेशल टॉपिक है सारे स्पेशल टॉपिक को मैं ऐसे ही करा दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।